नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको गैस और एसिडिटी को दूर करने के लिए हमें ऐसे कौन से फूड्स हैं जो हम खाते हैं तो इन बीमारियों को दूर करने में काफ़ी ज़्यादा हमें हेल्प मिलेगी, इसके बारे में जानकारी लेकर आए हैं। दोस्तों, जिस व्यक्ति को गैस की या फिर एसिडिटी की समस्या होती है उसे एसिड रिफ्लेक्स की प्रॉब्लम भी हो सकती है। इससे मरीज की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, मरीज को नींद भी नहीं आती, कई बार यह समस्या आपकी फेवरेट डिश खाने से भी हो सकती है। तो ऐसे में ऐसी चीज़ों को खाने से परहेज करने में ही भलाई है। अगर आपको भी हमेशा गैस की समस्या हो जाती है तो चलिए अब आपको ऐसे कुछ हम टिप्स देने वाले हैं जिनको फॉलो करके आप गैस और एसिडिटी की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बताते हैं कि ऐसे कौन कौन से आहार हैं जो आपको गैस और एसिडिटी की समस्या को दूर करने में काफ़ी आपकी हेल्प करेंगे और मदद करेंगे। तो ऐसे में पहले नंबर पर आता है जीरा। जी हाँ, जीरा खाने से पाचन तंत्र से संबंधित विभिन्न प्रकार की समस्याओं से आपको निजात मिलेगी। जब भी पेट में गैस बन जाए तो एक चम्मच जीरा पाउडर ठंडे पानी में घोल कर पिएं, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जीरा गैस और एसिडिटी को दूर करने का एक रामबाण घरेलू इलाज माना जाता है। बात करते हैं दूसरे फूड की। दोस्तों, दूसरा फूड है हल्दी। हल्दी में एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। इसके इस्तेमाल से कई सारी समस्याओं का निदान किया जाता है क्योंकि यह एक बेहतरीन दवा के रूप में वर्क करती है। थोड़ी सी हल्दी पाउडर को पानी के साथ लें और फिर उसके बाद आप दही या केला खाएं आधे या एक घंटे के पश्चात। इससे पेट की गैस और एसिडिटी को ख़त्म करने में मदद मिलेगी। बात करते हैं अगली चीज़ की, जो कि बहुत ही कॉमन चीज़ है। दोस्तों, पानी कम पीने की वजह से भी पेट में गैस की समस्या पैदा होती है, यह आपको ज़रूर समझना होगा। इसलिए दिन भर में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी ज़रूर पिएं। जिन लोगों को गैस बनने की बीमारी है उन्हें तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी अवश्य पीना चाहिए। इससे एसिड बाहर निकल जाता है, साथ ही गैस की समस्या से फौरन आराम मिलता है। बात करते हैं अगली चीज़ की, जो कि है अनानास यानी कि पाइनएप्पल। दोस्तों, अनानास में पाचन के लिए फ़ायदेमंद एंजाइम पाए जाते हैं। गैस की समस्या होने पर एल्कलाइन से भरपूर चीज़ों को खाना चाहिए। पाइनएप्पल में यह तत्व भरपूर मात्रा में पाया जाता है जिससे कि गैस की समस्या को दूर करने में काफ़ी मदद मिलती है। लेकिन हमेशा आपको एक बात का ध्यान रखना है कि पका हुआ पाइनएप्पल ही आपको खाना चाहिए। कच्चा पाइनएप्पल आपको फ़ायदा पहुँचाने की बजाय नुकसान दे सकता है। बात करते हैं अगली चीज़ की, जो कि है लौंग। लौंग मसाला ही नहीं बल्कि गैस की समस्याओं से जूझ रहे मरीजों के लिए एक सर्वोत्तम औषधि के रूप में वर्क करती है। लौंग को मुंह में रखकर चूसने या फिर इसके चूर्ण को शहद के साथ मिलाकर चाटने से एसिड रिफ्लेक्स और गैस की प्रॉब्लम से मुक्ति मिलती है। बात करते हैं अगली चीज़ की, जो कि है अदरक। गैस और एसिडिटी को दूर करने के लिए अदरक सबसे बेहतरीन घरेलू उपाय है। अदरक की चाय पीने से गैस से तुरंत आराम मिलता है। अदरक में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। यह पेट की समस्या को तुरंत दूर करने की काबिलियत रखता है। बात करते हैं अगली चीज़ की, जो कि है पपीता। पपीता में बीटा कैरोटीन पाया जाता है। इसमें भोजन को जल्दी पचाने वाले तत्व भी पाए जाते हैं। पपीते में पेप्सिन नाम का एंजाइम होता है जो सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। पेट में ज़्यादा गैस बन रहा है तो भोजन कम खाएं। भोजन करने के बाद थोड़ा सा नमक छिड़क कर पपीते पर इसे खाएं। इससे कब्ज और गैस दोनों ही समस्याओं का अंत हो जाएगा। और बात करते हैं आखिरी चीज़ की, जो कि है नारियल पानी यानी कि कोकोनट वाटर। दोस्तों, नारियल पानी को भी पीने से गैस और एसिडिटी की समस्या में आसानी होती है, इससे मुक्ति मिलती है क्योंकि नारियल पानी गैस को मिटाने के लिए एक दवा की तरह वर्क करता है। इसमें विटामिन्स और पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। पेट की दिक्कतों को दूर करने के लिए आपकी मदद नारियल पानी कर सकता है। जब भी गैस हो जाए तो आपको 2 से 3 बार नारियल का पानी पीना है, इससे आपको काफ़ी जल्दी आराम मिल सकता है। और इसके अलावा दोस्तों, छाछ भी आपकी बहुत मदद कर सकती है। जी हाँ, थोड़े से मेथी दाने, हल्दी, हींग और जीरे को मिलाकर एक पाउडर बना सकते हैं और इसे सुबह नाश्ता करने के बाद छाछ में मिलाकर पी सकते हैं। इससे भी गैस और एसिडिटी की समस्या से आपको आराम मिलेगा। तो दोस्तों, ये थे वो बहुत ही
बढ़िया फूड जो कि खास तौर पर गैस और एसिडिटी को दूर करने में, उनका अंत करने में काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो दोस्तों यही थी आज की इस वीडियो में हमारी जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएँ। धन्यवाद दोस्तों।